गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन ईएएस एजुकेशन क्लासेज। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में मिलेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, गतिज ऊर्जा के साथ। गतिज ऊर्जा क्या होती है और इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, वो हम इस वीडियो में ड्राइव करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। द कैपेसिटी ऑफ टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी एटसेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा था मैकेनिकल्स एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसकी पोजीशन और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि वह एनर्जी जो किसी वस्तु में, जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मूविंग के कारण होती है, उसकी मोशन के कारण होती है, गति के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी वस्तु की ऐसी एनर्जी जो इसकी मोशन यानी कि गति के कारण होती है उसे हम के यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम दौड़ रहे हैं तो हमारी जो गति के कारण जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। कार चल रही है, उसकी मोशन के कारण, गति के कारण एनर्जी, इसलिए उसकी मोशन काइनेटिक एनर्जी है ना। तो इसकी ये डिफरेंट एग्जांपल है। तो सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं, वो है मूविंग क्रिकेट बॉल। आपने देखा होगा जब हम क्रिकेट बॉल जो होती है उसको अपन बॉल डालते हैं तो वो मूव करती हुई जाती है, तो उसकी जो मूविंग के कारण जो एनर्जी होती है उसे अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब वो स्टैंप पर हिट करती है तो स्टैंप या तो टूट जाता है या उससे टकरा करके दूर हट जाता है। इसका मतलब जो एनर्जी थी उसमें बॉल में, काइनेटिक एनर्जी, वो उसने ट्रांसफर कर दी स्टंप्स को, तो स्टंप्स उसकी वजह से दूर गिर गया या टूट गया। तो एक बात और ध्यान रखना, एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय करते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, द मूविंग क्रिकेट बॉल में काइनेटिक एनर्जी होती है। रनिंग वाटर, पानी जो रनिंग कर रहा है, बह रहा है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद अ मूविंग बुलेट, जो बंदूक से जो गोली निकलती है वो भी बहुत तीव्र गति से निकलती है, तेज़ी से निकलती है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उसकी मोशन की वजह से, गति के कारण जो एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद मूविंग कार, गति करती हुई कार में भी काइनेटिक एनर्जी है। फ्लोइंग वाइंड, हवा चलती है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद रनिंग एथलीट, जो एथलीट्स होते हैं वो रनिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद है रोलिंग स्टोन, जो कोई पत्थर होता है वो अगर रोलिंग कर रहा है, ढड़क रहा है किसी ढलान पे से, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि उसकी जो पहले उसमें जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जब हम उसको धक्का देते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए वो धड़कता रहता है, रोलिंग करता रहता है। तो हमने इसके देखे एग्जांपल्स, एक बार फिर देख लेते हैं। द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा वह एनर्जी होती है जो किसी वस्तु में गति के कारण होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² के इक्वल टू, ई का मतलब एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv². काइनेटिक एनर्जी होती है वो आप यहाँ डायग्राम, आप ये फॉर्मूले से देख सकते हैं कि इसको हम आगे इसको ड्राइव करेंगे कैसे ये निकला वो हम इसको बात करते हैं। तो इसको मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसका डेरिवेशन करते हैं। मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, एक समान वेग से चल रहा है u से, और इसने डिस्टेंस कवर की s डिस्टेंस इसने कवर की, और इस पर फोर्स हमने जो अप्लाई किया था वो f फोर्स अप्लाई किया था जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इसमें जब वेलोसिटी इसकी चेंज होती है, पहले कुछ और थी बाद में कुछ और थी, तो उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो हमने माना वो a। तो जैसा कि हम जानते हैं इस पर वर्क कितना हुआ, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू होता है f इंटू s,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला नंबर एक हो गया, इक्वेशन नंबर एक। अब हम जैसा कि हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए, हमने ये पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, सेकेंड नियम है, जिसका क्या होता है जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। अब इस एफ की जगह हमने रखा एम ए। अब जैसा कि हमने न्यूटन की न्यूटन का जो तीसरा इक्वेशन था, न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण था, वो क्या था, ये होता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ये था। तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन टू ए एस लगाते हैं और यहाँ से एस की वैल्यू निकालते हैं। एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये टू ए है, ये गुणा में इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में पहुँच जाएगा, यानी भाग में पहुँच जाएगा, गुणा में है तो भाग में पहुँच जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन टू ए हो गया। अब इस डब इसकी इस एस की जगह एस की जो वैल्यू निकली है ये वाली, इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ की जगह रख दिया हमने एम ए, एम ए रख दिया, एस की जगह रख दिया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू, ए से ए कट जाएगा, तो वन अपॉन टू एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हम यू की जगह जीरो रखते हैं, तो क्या हो जाता है इफ़ यू इक्वल टू जीरो देन डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉइन टू एम वी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो होगी तो क्या बचा वन अपॉइन टू एम वी स्क्वायर। और वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी और वर्क में रिलेशन होता है, तो ई के इक्वल टू वन अपॉइन टू एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक बार मैं फिर बता दूं कि W इक्वल टू एफ एस होता है, यहाँ एफ की वैल्यू एम ए रखी, एस की वैल्यू यहाँ से हमने न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से हमने निकाली, एस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन टू ए, यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू एफ की जगह एम ए रखा, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर टू ए एस की जगह रखा, ए से ये कट गया तो यहाँ पर बचा वन अपॉन टू एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर यू की वैल्यू जीरो है तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू वन अपॉइंट टू एम बी स्क्वायर, और कार्य ही क्या होती है एनर्जी होती है, तो E के बराबर वन अपॉइंट टू एम बी स्क्वायर, ये इसका काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की, ये आप नोट कर लें यहाँ पर, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी को हम मास को अगर डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मास को हमने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, अगर मास को हम चार गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी चार गुना हो जाएगी, यानी कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वेलोसिटी वेलोसिटी होती है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर मतलब वर्ग के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए देखें, अगर हम वेग को दुगुना करें, वेग को डबल करें, वेलोसिटी को डबल करें, दो का गुना करें उसमें, तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, तो हम देखते हैं कि वेग को हम डबल करते हैं तो ई के बराबर ले लो इसको, बी बी डबल कर रहे हैं तो डबल मतलब दोनों को डबल करना पड़ेगा, तो ई के इक्वल टू हो जाएगा दो दूनी चार वी, यानी कि पहले से जो काइनेटिक एनर्जी है वो चार गुनी हो जाएगी। अगर दुगुना करें हम वेलोसिटी को तो काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स बढ़ जाएगी, अगर चार गुना करें तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी, और अगर तीसरा केस लेते हैं, अगर हम वेलोसिटी को आधा करें तो आधा करोगे तो आप क्या होगा ई के इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन टू, तो ई के इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पहले से वन फोर्थ हो जाएगी, पहले अगर 16 थी तो वो चार हो जाएगी। तो यहाँ पे तीन केस बनते हैं, अगर मास पे डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, मास के डायरेक्टली समानुपाती होती है, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल करेगी, मास को अगर आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी, और मास को अगर चार का गुणा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चार गुनी हो जाएगी। उसी प्रकार वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी को अगर डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चार गुनी हो जाएगी, अगर चार गुनी करेंगे तो 16 टाइम्स हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी, और अगर आधा करेंगे तो वन फोर्थ हो जाएगी। इस प्रकार हमने तीन चार केस देखे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, आप इसको जरूर ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, तो वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।